हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसनल। अभी हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 3 जो कि दिसंबर मंथ का एमसीक्यू है फॉर द प्रीलिमिनरी टेस्ट सीरीज फॉर द 2020 के लिए। ओके, ये एमसीक्यू है। इसमें जो रेस्ट ऑफ द दिसंबर में पार्ट 1 पार्ट 2 में जितना है हमने डाल लिया, और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में जितना रेस्ट है दिसंबर में जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स था, ओके, जो एमसीक्यू बेस्ड है फॉर द प्रीलिमिनरी के लिए, उसको हमने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, करण वंदना जो एक वेरायटी ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, करण वंदना एक न्यू वेरायटी ऑफ व्हिच वेरायटी है, ठीक है, ये बी इज द आंसर। या ये क्या है, न्यू वेरायटी ऑफ करण वंदना है, ये को लॉन्च हुआ है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज BW187। ओके, इसमें क्या है, ना रिच इन प्रोटीन एंड आयरन है। सो देन सेकेंड क्वेश्चन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में देखेंगे। ओके, सो ये एक पोषण अभियान भी बोलते हैं इसको। मिशन वाज लॉन्च इन 2015-16। ओके, इट वाज वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, बोथ 1 और 2C। ओके, सो हियर द देखेंगे तो ये भी 30 गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम फॉर द मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन को लॉन्च किया इंडिया में। सो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में देखेंगे, रिड्यूस द स्टंटिंग ओके अंडर न्यूट्रिशन एनीमिया अमंग द यंग चिल्ड्रन वोमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है। Besides reducing the low birth weight, more than 100 million people are expected to benefit from the National Nutrition Mission. Okay. So third statement, the Central Drugs Standard Control Organization के बारे में देखेंगे। Correct statement कौन सा है? Responsible for the approval of new drugs, conduct of clinical trials, laying down the standard for the drugs. Yes. Okay, इसका काम यही है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है। सो इट इज डन इन पावर फॉर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड द रूल्स ऑफ 1945। बोथ 1 और 2 सी द आंसर। या फोर्थ क्वेश्चन, सकालिन 1 एंड टास यूरिक याक जो है वैंकूवर ऑयल फील्ड है, कहाँ पे है ये? ये रशिया में। ओके, डी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के बारे में देखेंगे। ये जो है प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, इट वाज फर्स्ट पब्लिश 2005 में। ओके, ये रिलीज होता है एवरी ईयर। हियर द आंसर इज डी। सो 14th एडिशन ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 जो है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हाईलाइट किया है इंडिया का करेंट हेल्थ स्टेटस, ट्रेंड इन डेमोग्राफिक, डिजीज प्रोफाइल। ओके, अटल जल योजना के बारे में देखेंगे। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि क्या करता है ना, सप्लाई करता है। ओके, सप्लाई वाटर टू द एवरी हाउस होल्ड बाय द 2024 तक दिया जाएगा, अटल जल योजना। ओके, आइडेंटिफाई ए प्रायोरिटी एरिया इज 7 स्टेट जो कि जहाँ पे पानी कम मिलता है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ओके, हियर द आंसर इज बोथ 1 और 2 सी। रोहतांग टनल के बारे में देखेंगे। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है जो कि बिल्ड किया है फिर पंजला रेंज में। ओके, टनल रिड्यू द डिस्टेंस बिटवीन लेह एंड मनाली। हियर द आंसर इज डी, 1, 2, 3 आर करेक्ट। रन थ्रू द फाइल सेंट्रल जो है सेंट्रलाइज्ड फाइल मूवमेंट एंड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ओके, सो हियर द वाज लॉन्च बाय द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट, हियर द आंसर इज बी, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। सो रोहतांग पास के बारे में देखेंगे। ये हाई माउंटेन पास है व्हिच कनेक्ट द कुल्लू वैली एंड लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। हियर यस दिस इज राइट, इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय। हियर द आंसर इज बोथ 1 और 2 सी। 10 नंबर क्वेश्चन, स्पंदना के बारे में देखेंगे। ये पुलिस स्टेशन मोर अप्रोचेबल पब्लिक एंड स्पेशली वोमेन के लिए जो कि इनिशिएटिव बाय द व्हिच स्टेट गवर्नमेंट, हियर द आंसर इज आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश का इनिशिएटिव है स्पंदना है, एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो कि जो पुलिस स्टेशन है मोर अप्रोचेबल फॉर द पब्लिक स्पेशली वोमेन इन द विनिंग ओके इक्वालिटी एक्ट्स एंड अवार्ड के लिए। स्पंदना मीन्स क्या है, मीन्स रेस्पॉन्स। 11 नंबर क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय वाज अवार्डेड द भारत रत्न पोस्टमसली इन 2014। ये स्टार्टेड किया था गंगा महोत्सव जो कि ऑफर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन गंगा। ये द आंसर इज बोथ 1 और 2 सी इज द आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में देखेंगे, लॉन्च बाय द हु चुक द फॉलोइंग। सो हियर द आंसर इज नीति आयोग इज द आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पास वाज रिसेंटली रीनेम्ड अटल पास। अटल पास जो है रोहतांग पास है जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसको दिया गया है अटल पास के नाम पे। ओके, डी। 14 नंबर क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में देखेंगे। इट इज मेनली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ऑटोनॉमस बॉडी रजिस्टर सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 1860 चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हियर द आंसर इज बी, 2 और 3 आर आंसर हियर, बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी नहीं करता है, ये कौन करता है?
सो इसको फंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। सो ये ऑपरेट करता है ऑटोनमस बॉडी है, तो द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860। पैटर्न नंबर क्वेश्चन है, माधेई विवाह जो है राइजेस इन वेस्टर्न घाट फ्रॉम द भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यस। टू थर्ड ऑफ द वाटर स्ट्रेचेस लाइज इन द गोवा, ये द आंसर इज बोथ वन टू सी। 16 नंबर क्वेश्चन, रतोपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखें, रतोपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लोकेटेड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मध्य प्रदेश है ए। 17 नंबर क्वेश्चन, नलापाडु वाइल्ड जो बर्ड सेंचुरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट हैबिटेट ऑफ पेलिकन एंड लोकेटेड इन तेलंगाना, पेलिकट लेक इज सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून इन इंडिया, बेरियर आइलैंड ऑफ श्रीहरिकोटा सेपरेट द लेक ऑफ द फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, गिवन द आंसर इज बोथ वन एंड टू करेक्ट हियर, ओके सी इज द आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, सरावती रिवर के बारे में देखेंगे, सरावती रिवर फ्लोस थ्रू द कर्नाटक एंड तमिलनाडु स्टेट, हियर द आंसर इज रॉन्ग बिकॉज स्टेटमेंट वन जो है ये गलत है, ये कौन सा फ्लो करता है, टोटली कर्नाटक में फ्लो करता है, एंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक में फ्लो करता है, सो तमिलनाडु नहीं आएगा। जोगफल फॉर्म द सरावती जो है यहाँ पे है, ये वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यस ओके। 2-3 आर करेक्ट ईयर, सो बी इज द आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, गगनयान एक इंडियन क्यू ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट व्हिच इज इंटेंड टू सेंड 3 एस्ट्रोनॉट टू स्पेस बाय द 2020 एज पार्ट ऑफ द इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, इसरो जीएसएलवी MK3 जो है ये यूज होगा लॉन्च ऑफ गगनयान में। गगनयान जो है 2022 तक तीन जो है एस्ट्रोनॉट जाएंगे स्पेस में, ओके ये इसरो का जीएसएलवी MK3 में जाएंगे, सो हियर द आंसर इज बोथ 1 एंड 2। 20 नंबर क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन के बारे में देखेंगे, ये कंट्री का फर्स्ट सोलर मिशन है, यस सोलर ये क्या करेगा ना, स्टडी ऑफ सोलर का जो कोरोना है उसको स्टडी करेगा, 400 kg क्लास सेटेलाइट लेके जाएगा, कैरिंग अप 6 साइंटिफिक पेलोड, दिस इज आंसर। यार स्नो एक्स के बारे में देखेंगे, 5-year प्रोग्राम इनिशिएटिव द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इसरो, ओके ये ओके नासा जो है हैज लॉन्च द सीजनल कैंपेन जो कि टू अंडरस्टैंड हाउ मच वाटर इज कंटेन इन ईच वाटर स्नोफॉल, हाउ मच विल अवेलेबल इन द मेल्टिंग ऑफ द स्प्रिंग, ओके सो ये जो है ये नासा का जो है कैंपेनिंग है, सीजनल कैंपेनिंग है, सो हियर द करेक्शन, यहाँ पे इशरो नहीं है, नासा है, स्नो एक्स जो एक 5-year प्रोग्राम है इनिशिएटिव बाय द नासा है, ओके सो टाइपिंग मिस्टेक है, दैट इज आंसर इज यही हो। सो बुडापेस्ट कन्वेक्शन के बारे में देखेंगे, बुडापेस्ट कन्वेक्शन जो है ये एक इट वाज फर्स्ट एवर द ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम दैट एड्रेस द इंटरनेट इन कंप्यूटर क्राइम्स, इट वाज डन बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप, ओके इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ द कन्वेंशन सिंस द फॉर्मेशन ऑफ 2001, सो हियर द आंसर इज थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है, द आंसर इज ए वन नंबर 1 and 2 बिकॉज ये इंडिया मेंबर नहीं है इसका 2001 से, ओके। बुडापेस्ट के बारे में देखेंगे, काउंसिल ऑफ यूरोप का साइबर क्राइम कन्वेंशन है नॉन एज बुडापेस्ट कन्वेंशन, इट वाज ओपन सिग्नेचर 2001 एंड इसका फोर्स केम इनटू द फोर्स इन 2004 में, ठीक है। सो ये विक्रय जो पोर्टल है इसके बारे में हम देखेंगे, ई विक्रय जो ओके सो लॉन्च बाय द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, हियर द आंसर इज बी फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च किया है, ये एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है फॉर द एसेट, एसेट जो है अटैच बाय द बैंक, सो बैंक के साथ जो एसेट है उसको ऑक्शन करने के लिए ये एक ये विक्रय प्लेटफॉर्म है जो है लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ये वेरी इंपॉर्टेंट था दिसंबर में। प्रधानमंत्री भय वंदना योजना के बारे में देखेंगे, स्कीम जो है प्रोवाइडेड इन assured return of the 8% for the 10 years के लिए, the scheme is implemented by the Life Insurance Corporation of India, both 1 and 2 are correct, see which country recently deployed the first avant-garde जो hypersonic missile है, defense system, ये रसिया है, B National Institute of Mountaineering and Allied Sports के बारे में देखेंगे, it is an advanced sports training institute located in Arunachal Pradesh, okay, it is operated under the control and superintendence of Minister of Defense, here the answer is C। दादा साहब फलक अवार्ड के बारे में देखेंगे, कंट्री का जो है इंडिया का जो है ये हाईएस्ट फिल्म ऑनर है, अवार्डेड बाय द फर्स्ट टाइम इन देवी का रानी, दादा साहब फलक डायरेक्टेड इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म में राजा हरिश्चंद्र, ही इज द नोन ऑन द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, हियर द आंसर इज 1, 2, 3, ओके डी इज द आंसर। सो 28 क्वेश्चन में देखेंगे, बेलम कैप्स के बारे में देखेंगे, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कैप सिस्टम इन पब्लिक ऑफ द ओपन फॉर द पब्लिक ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, हियर द आंसर इज आंध्र प्रदेश।
डार्के पैसेज के बारे में देखेंगे, इट इज ए बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन द साउथ अमेरिकन्स केप हॉर्न एंड साउथ सेटलैंड आइलैंड इन अंटार्कटिका। ओके, इट इज ए शॉर्टेस्ट क्रॉसिंग फ्रॉम द अंटार्कटिका टू एनी अदर लैंडमार्क के लिए। यू हैव द आंसर इज डी, नो करेक्शन, सी इज द आंसर हियर। ओके, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। डार्के पैसेज के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट था दिसंबर में, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।